तालुका आरोग्य अधिकारी को प्राप्त हुई थी शिकायतें, जिसके चलते शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तालुका आरोग्य अधिकारी की ओर से 3 सदस्यों की समिति बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों गवना, गरंडा, महंदी, बिटोली में झोलाछाप डॉक्टरों की छानबीन करने पर डॉक्टर राजाराम गौतम बखारी, डॉक्टर प्रेमानंद पारदे बिटोली, डॉक्टर योगेंद्र कुमार चौहान बिटोली, यह तीनों अवैध तरीके से डॉक्टरों की डिग्री न होते हुए भी मरीजों पर एलोपैथी तरीके से इलाज कर रहे थे, जिसमें लाइन लगाना, इंजेक्शन देना, एलोपैथी की दवा देना, इस तरह का मरीजों के ऊपर इलाज करते नजर आते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों का इलाज कर रहे थे, जिससे मरीजों की जान को खतरा निर्माण होने की आशंका होने से तालुका आरोग्य अधिकारी ने इन तीनों अवैध डॉक्टरों के खिलाफ पारशिवनी पुलिस विभाग में सोमवार को शिकायत दर्ज करवाई। जयदेव उर्कुंडा शेंडे ने इस बारे में पहले से ही तालुका आरोग्य अधिकारी को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके चलते अधिकारियों को अवैध डॉक्टरों के खिलाफ छानबीन करने पर यह तीनों झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ पारशिवनी पुलिस विभाग में मामला दर्ज किया गया है। इन तीनों बोगस डॉक्टर के खिलाफ जांच करने पर यह तीनों पिछले कुछ सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दवाखाना शुरू कर अपने निवास पर मरीजों का इलाज कर रहे थे, इस बात का पता जांच करने पर पता चला। इसमें बोगस डॉक्टर राजाराम गौतम, डॉक्टर प्रेमानंद पारदे एवं योगेंद्र कुमार बुधनलाल चौहान के पास महाराष्ट्र विधेयक व्यवसाय पदवी अधिनियम के अनुसार नहीं थी, फिर भी मरीजों का एलोपैथी तरीके से इलाज कर रहे हैं, जो सरासर गैर कानूनी है। इन तीनों बोगस डॉक्टरों ने महाराष्ट्र विधेयक व्यवसाय अधिनियम 1961 के कलम 33(9) वैद्यकीय परिषद में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। बोगस तरीके से वैद्यकीय व्यवसाय करते पाते जाने से इन तीनों बोगस डॉक्टरों के खिलाफ पारशिवनी पुलिस विभाग में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच पारशिवनी पुलिस कर रही है। तालुका आरोग्य अधिकारी प्रशांत वाघ ने बताया कि इस तरह के बोगस डॉक्टरों की जानकारी तुरंत हमारे विभाग को नागरिकों ने देना चाहिए, जिससे तुरंत झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा सके, वही मरीजों का सही इलाज हो सके, इसके लिए मान्यता प्राप्त डॉक्टर से ही मरीजों का सही इलाज कराएं। कार्रवाई तक्रार आली होती आमच्याकडे, त्या अनुषंगाने आम्ही कार्रवाईसाठी आम्ही आधी चौकशी केली। आम्ही त्या डॉक्टरांकडे गेलो होतो आणि काही सामानाची पाहणी केली, त्यांच्या ज्या औषधीची साहित्य जे त्यांच्याकडे, आणि ते आम्ही आपल्याला ताब्यात घेतल्या। डॉक्टरांचे नाव अनुक्रमांक असे आहे, डॉक्टर राजाराम गौतम, नंतर डॉक्टर प्रेमानंद पारदे, नंतर डॉक्टर योगेंद्र कुमार चव्हाण। हे नाही, त्यांच्याकडे अशी बुद्धी वैद्यकीय व्यवसायाची डिग्री नव्हती, ते ॲलोपॅथिक प्रॅक्टिस करू शकत नव्हते त्या व्यवसाय त्या डिग्रीमुळे, ते अवैध त्यांच्याकडे डिग्री होती। तर ते मी मला आढळले का ते ॲलोपॅथिक प्रॅक्टिस करतात, इंजेक्शन लावतात, सलाईन लावतात, बी पी घेतात, शुगर घेतात, त्यामुळे ते अवैध ठरले। पारशिवनी तालुक्यामध्ये मागील काही दिवसांपासून ग्रामीण भागातील खेड्यागावांमध्ये झोलाछाप डॉक्टरांची भरमर झाली होती। या अवैध डॉक्टरकी करणाऱ्या ज्या विरोधात आरोग्य तालुका आरोग्य अधिकाऱ्याला तक्रारी मिळाल्या होत्या, त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पारशिवनी तालुक्यातील तालुका आरोग्य अधिकारी प्रशांत वाघ व पीएस समिती सदस्य यांनी या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी केली असता माऊली, आपल्या बिटोली, मेहंदी या गावात 3 अवैध डॉक्टर्स प्रॅक्टिस करताना आढळून आले। BCN न्यूज के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।